आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या छोटे बच्चे को एसी या कूलर में रखना सही है या नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है और इस बात पे कई सारी वीडियोज भी डिमांड की गई है मुझसे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्मी में बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पे हवा नहीं आ रहा हो। इससे बच्चा बेचैन हो सकता है, उसे गर्मी लग सकती है, उसे लू लग सकती है। तो हम लोग जो बड़े होते हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं ज़्यादा गर्मी को, लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर्स का भी कहना है कि उसे गर्म जगह में रखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे कूलर में रख सकती हैं ठंड और एसी में रख सकती हैं, क्योंकि वो ठंडा जगह होता है। लेकिन मैं तो कहूँगी कूलर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं गुना मतलब एसी उससे ज़्यादा सही है। पंखा भी सही है पर कूलर नहीं, क्योंकि कूलर में जो पानी होता है वो डायरेक्टली बच्चे के शरीर में जाता है हवा के थ्रू, तो वो बच्चे को नुकसान करेगा। अगर आप एसी में रखना चाहती हैं बच्चे को, तो बिल्कुल रख सकती हैं। उसका टेम्परेचर आप 23 डिग्री से 26 डिग्री कर दें। अगर फिर भी रूम ठंडा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा और टेम्परेचर घटा सकती हैं। पर ज़्यादातर अब आपने देखा है सरकार भी अब 24 डिग्री टेम्परेचर का ही ये ला रही है एसी, तो आपको बेहतर होगा कि आप 24 डिग्री कर दें लास्ट, क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं है, अब तो 24 डिग्री ही हो रहा है। और अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप, ऐसा हो सकता है कि आपके रूम में 24 डिग्री से वो ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपका पुराना एसी है तो वो आप उसमें 18 डिग्री कर सकती हैं। तो आप अपने अनुसार रखें उस टेम्परेचर को, जिससे कि रूम ढंग का ठंडा हो, जिससे ना आपको गर्मी लगे ना ठंड लगे। ऐसा भी ना हो कि आप बेचैन हो जाए ठंड के मारे। ओ माय गॉड, जब आप ही ठंड से बेचैन हो जाएंगी तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा ठंड से बेचैन हो जाएगा। तो ठंड भी नहीं रखना है ज़्यादा अपने रूम को, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना। बस ऐसा रहना चाहिए कि उसमें ना फील ही ना हो कि गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है, बस बढ़िया सा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। और फिर भी अगर आप करती हूँ तो आप अपने टेम्परेचर देखते रहें, टेम्परेचर को चेक करते रहें कि भाई टेम्परेचर क्या है नहीं है। और थोड़ा बहुत गेट खुला रखें आप, कि ताकि जो हवा है वो आती जाती रहे, ताकि रूम में एकदम स्वस्थ हवा बने रहे। और जब भी आप रूम में एसी चलाने वाले हों, उससे पहले क्या करें कि जो हवा है रूम का उसे बाहर निकाल दें फैन के थ्रू। आप जब बाहर निकाल देंगी तो उसके बाद क्या होगा कि जब रूम होगा वो थोड़ा जल्दी कूल भी हो जाता है और अच्छा सा उसमें फ्रेश हवा भरा रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी आप, जब भी आप कभी बाहर निकालें अपने बच्चे को, जैसे आपने एसी में रखा हुआ है, अब आप बाहर निकालने वाले हैं बच्चे को, अब जैसे आपको कहीं जाना है तो काफ़ी टाइम से आप एसी के अंदर हो, तो आपको वो टेम्परेचर सूट कर रहा है। अब अचानक से अगर आप बाहर निकलोगे तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर आपको बन जाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले कुछ देर के लिए, करीब 10 मिनट के लिए एसी को बंद कर दो आप। तो बंद करने से होगा क्या कि टेम्परेचर के अनुसार मतलब शरीर जो होगा वो ढल जाएगा। थोड़ी देर फैन में रख दो उसे आप, तो क्या होगा कि टेम्परेचर के अनुसार बच्चा सही से उसको वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप जब उसे बाहर लेके जाओगे तो वो जो होगा बच्चा वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकेगा, वरना अगर आप डायरेक्टली एसी से बाहर लेके जाओगे तो दिक्कत है उसे। और आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप मान लो आप कहीं जा रहे हो, जैसे अपने गाड़ी में, अब आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में अपने एसी ऑन किया, अब आप जैसे निकलने वाले हो, अब आपको पता है कि अब आप निकल रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, एसी को बंद करना चाहिए पहले 10 मिनट पहले, आप रास्ते में ही 10 मिनट पहले ही आप बंद कर दो और पूरी खिड़कियाँ खोल दो। और उससे क्या होगा कि हवा आने लगेगा तो वो बच्चा उस टेम्परेचर के हिसाब से ढल जाएगा। फिर जब आप बाहर निकलेंगी तो बच्चे को उस तरह का फील नहीं होगा, और उसे जो सर्द और गर्म होता है, जो लोग कहते हैं सर्द गर्म लग गया, तो वो नहीं लगेगा। इस चीज़ से आप बचा सकती हैं। और एसी बिल्कुल भी सेफ है बच्चे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी सर्विसिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि एसी का सर्विसिंग टाइम पर हो। आप अगर बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, 24 घंटा अगर एसी चलाते हैं, तो आपको करीब साल भर में 4 बार तो मिनिमम करना ही करना चाहिए। और अगर आप कम चलाते हो तो साल भर में आप 2 बार भी कर सकते हो, लेकिन सर्विसिंग होता है तो आप अगर बाहर से नहीं करवाते हो तो घर में कम से कम उसका जो ये होता है ना जाल जैसा, तो वो निकाल के आप हमेशा खुद से साफ़ कर लिया करो हर 15-20 दिन में, तो वो ना गंदी हवा उसे नहीं लगेगी, बच्चे को नहीं आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे के हेल्थ के लिए। और आप क्या करो कि हमेशा जो है
एसी के अंदर आप बच्चे को फुल कपड़े पहना के रखो, जैसे मतलब फुल बाजू के, ताकि जब उसे ठंड महसूस ना हो। जब भी वो रहे तो हमेशा ऐसे लगे कि मैं बिंदास खेल रहा हूँ, बिंदास रह रहा हूँ, बिंदास सोया हुआ है। मतलब उसे कुछ उड़ाने की उड़ाने का झंझट ही ना पड़े, इस टाइप का आप कपड़ा पहना के रखो, फुल बाजू बाजू वाला। और अगर आप फिर भी मतलब उसे फिर भी ठंड लग रही है, जैसे आपने भी फुल बाजू पहन रखा और आपको फिर भी ठंड लग रही है, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे को भी लग रही होगी। तो आप उसे, जब वो सो रहा है बच्चा, तो आप उस पर एक हल्की सी कंबल, हल्की सी पतली सी चादर या बेडशीट टाइप का कुछ जो पतला सा होता है, जो पतली सी चादर होती है, वो आप ढक सकते हो उससे, उड़ा सकते हो उससे, ताकि वो आराम से सो सके। क्योंकि हम लोग भी जब एसी में रहते हैं तो हम लोग भी ढक के ही सोते हैं, ऐसे नहीं सोते, मतलब खुले खुले तो सोते नहीं, एसी में तो सोना ही पड़ता है। और फैन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसका जो हवा है वो डायरेक्टली बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप बेड पे सुला रहे हो और बेड आपका एसी ऐसा है जो बेड पे हवा आ रहा है, तो आप उसके फैन को ऊपर कर दो, जिसकी वजह से वो पूरे रूम को कूलिंग करे, लेकिन उसका हवा डायरेक्ट बच्चे तक ना आ सके। क्योंकि उसका एक तो हवा आएगा तो नाक में जाएगा, जो उसके उसके नाक में उससे गंदगी भी जाएगा, और दूसरी बात है कि उससे बहुत तरह का नुकसान भी करेगा। तो बाकी इतना ही था एसी को लेकर, तो ये इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी किसी भी तरह का कोई डाउट्स है आपके मन में जरा सा भी एसी को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो बना के दूंगी। पर मेरे हिसाब से तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इसके बाद आपकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप बिंदास रखिए बच्चे को एसी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बस टेम्परेचर सही होनी चाहिए, कपड़े आप एकदम उसके अनुसार पहनाओ, तापमान के अनुसार सर्विसिंग कराते रहो। बस टेम्परेचर का हिसाब रखो आप, 23 से 26 डिग्री रखो, 24 डिग्री रखना है तो रखो, बहुत बढ़िया। बहुत कम कर सकते हो आप, अगर आपका रूम फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है तो आप 20 रखो, इससे ज़्यादा मत कम करो। आप बच्चा है, बच्चे के हिसाब से आपको चलना है। तो बस बहुत बढ़िया है, इतना करके आप आराम से एसी यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब।